हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप बहुत अति उत्तम होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। कैसे लगी मेरी ये इंट्रो? बिल्कुल भी अच्छी नहीं ना। चलो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर हम देखेंगे, क्या पता है, आपके साइंस के क्वेश्चन मैं करवा रही थी जिसमें आपके अति लघुत्तरी प्रश्न चल रहे थे। क्लियर? आपकी साइंस का ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दी। ये सारी जितनी भी सीरीज़ हो रही है मैंने अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, आपको हर एक सीरीज़ आपके उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप वहाँ पर जाइए, चेकआउट करिए, आपको हर चीज़ क्लियरली मिल जाएगी। आइए फिर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। इस समय बज रहा है कितना? शाम के 4। मैं टाइम हमेशा बार बार इसलिए बताती हूँ कि जो नए आ रहे हैं नहीं पता है वो बार बार पूछते हैं, इसलिए टाइम जानो। बज रहे हैं शाम के 4। आज की हमारी ये है दूसरी सेकेंड क्लास। अभी शाम को 1-9 बजे हम और करते हैं, तो ये टाइम ड्यूरेशन। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आपकी भी एक भी क्लासेस नहीं मिस हो पाएगी। आप भी इन सब बच्चों के साथ यहाँ पर आके सारी क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे, देख पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम मेरा कुछ भी नहीं तैयार है, मैंने उसे परमिशन ले लिया है। अब मुझे कॉलेज से फ़ोन आया था कि उन लोगों ने टीचिंग वगैरह भी सब कुछ लगा दी थी और मैं कभी कुछ नहीं गया हूँ, मेरा हो गया है अब तो। लेकिन अब एक बार वो लोग फिर से बुला रहे हैं फॉर्म वॉर्म के क्लोज, और आपने पढ़ा नहीं है। तो आप अगर जो भी हैं नहीं पढ़ पाए हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद है, एक्स वाई जेड करके कुछ रखा था उन्होंने, तो आप पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है। आप वहाँ से फटाफट करके स्पीड बढ़ा के अगर देखना भी चाहेंगे तो वो तब भी पूरी बात को सुन लेंगे, तो आप पास होने भर काम तो ज़रूर कर लेंगे। अगर आप गुड लर्नर हैं तो बड़े अच्छा नंबर पा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई डाउट भी नहीं है, आप बढ़िया नंबर पा जाएंगे, ठीक है। और अगर और ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, राज सर हैं, तब उनको लास्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के उनसे नोट्स लीजिए और फटाफट पढ़ना शुरू करिए, चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। घबराना नहीं है, डर मत रखो, मैं पढ़ी हूँ की हूँ बता रही हूँ। डरोगे तो परेशान होगे, नहीं डरोगे तो कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अब इस वक्त जुड़े हैं आप शालिनी का सर, मैं हूँ शालिनी, आपको यहाँ पर स्वागत करती हूँ। कोई पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, पोल क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी कुछ वहाँ पर होगा, ठीक है। आपको बहुत सारी अपडेट मिलेगी, PDF ये सारे मिल जाएंगे वहाँ पर, जितने सीरीज़ के हो रहे हैं, कोई न्यूज़ होगी तो वहाँ पर शेयर हो जाएगी आसानी से, जो यहाँ पर नहीं हो पाती है। आइए शुरुआत करते हैं। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करिए और टाइम पर आने का प्रयास करिए। फ्रेंड्स, ये सब पढ़ा दिया था, याद है आपको, रिविज़न आप कर रहे हैं इस बात को भी ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। कहाँ था मैंने कराया था, कुछ याद है? यही है फ्रेंड्स, मैंने कहाँ तक करवाया था, राइजोपस, हाँ ये याद आ गया, ये यहाँ तक करवा दिया था ना। मैंने यहाँ तक पत्तियों का रंग हरा था ये सब करवा दिया था, करवा तो दिया था, ये सब आयतन तक करवा दिया था, द्रव्यमान, हाँ यहीं से करवाना है, MKS पद्धति के मूल मात्रक ना, हाँ ये है से मुझे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर है MKS पद्धति, ये पवन की सीरीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजन के मैं इसके बाद लेंगे। MKS पद्धति से मूल मात्रक है, MK मतलब जानते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, M for meter, K for kilogram, S for second, ध्यान रखना, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, तो मीटर का क्या होता है, लेंथ होता है, किलोग्राम का क्या होता है, मास होता है, समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये क्या है, MKS पद्धति का मूल मात्रक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी नहीं तो ऐसे ही वन लाइनर वाले में मतलब अति लघुत्तरी में लिखने को आ सकता है, जैसा कि दिया गया है। गति के कितने प्रकार, तो गति के 4 प्रकार, रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन, ठीक है, घूर्णन गति, रोटेशनल, सर्कुलर और ऑक्सीलेशन, दोलन यानी कि ऑक्सीलेशन। तो ये आपको गतियों के प्रकार दिए गए हैं, गति के प्रकार फिजिक्स के टॉपिक से हैं, अच्छा प्रश्न है, ये भी आ सकता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, अभी आपने ऊपर ही देखा, ये देखो यहाँ पर। तो ये मात्रक वाले मैंने कल ही बोला था कि अच्छा चलिए मैं एक दिन मात्रक वाले भी आपको शॉर्ट वीडियोज़ में 1-2 दिन में या टेलीग्राम पर ही ये एक इमेज भेज दूंगी, जैसा कि अक्सर भेजती हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट का भेजती हूँ, तो वो मात्रक वहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मानव शरीर का समान टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। गति किसे कहते हैं, गति क्या होता है, उत्तर में आप लिखेंगे समय के अनुसार किसी वस्तु या उसके भाग की स्थिति में आया जो परिवर्तन होता है उसको हम गति कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है यहाँ पर स्टैंड है या खड़ी है, कोई सामान रखा है, कॉन्स्टेंटली वो स्टैंड दिख आपको एकदम स्टेबल दिख रही है, सडनली उसमें जो है चेंजेस आता है, वो आगे की तरफ बढ़ती है और उसकी स्थिति में जो यहाँ पड़ती है वो यहाँ हो जाती है, तो कहते हैं कि इसमें मोशन हुआ, इसमें गति हुई, क्या हुआ, इसमें गति दिखी। तो समय, क्योंकि ये पहले यहाँ पर सब कुछ समय था, अब यहाँ पर पहुँच गई है, तो समय के अनुसार किसी वस्तु या उसके किसी भी भाग की स्थिति में जब चेंज आता है तो वो हमारा गति कहलाता है। आप इससे भी अच्छी परिभाषा मैंने कई बार बताई है, आपने लिखी होगी, देखा होगा, तो आपको वो वाली उचित लगे तो आप वो भी लिखो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखनी है।
गति का प्रथम नियम क्या होता है? गति का पहला नियम क्या है? इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था का मतलब क्या है कि वो रेस्ट में है, मैं तेज तो नहीं बोल रही ना, धीरे धीरे बोल रही हूँ, कोई अगर वस्तु है, कोई भी थिंग्स है, वो रेस्ट की कंडीशन में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, ठीक है? जब वो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये प्रथम नियम क्या होता है कि आपको प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, नहीं वो न्यूटन का नियम है। देखो अभी यहाँ पर क्या है, गति के नियम जो बात ही बोल रहा है इसमें क्या है कि कोई भी सामान है वो आपके रेस्ट की स्टेट में है, ठीक है, वो आपके एकदम नॉर्मल स्टेट में है, वो विराम अवस्था में ही तब तक बनी रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स या बाहर से अप्लाई नहीं करोगे। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो एक स्थिति धीरे धीरे चल तो रही है लेकिन जब तक आप उसे बहुत फोर्सफुली बल नहीं लगाओगे वो जल्दी से जल्दी मूव नहीं करने वाली। तो गति का ये प्रथम नियम है जो कि आपकी पवन की सीरीज में दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको बहुत अलग अलग भी देखने को मिल सकता है, हर एक पॉइंट क्लियर है क्योंकि दोनों का देखो प्रकाशन का क्या है कि अपना छाप के उसको मतलब प्रिंट के छापना मतलब प्रिंट देना उसको, बच्चे लेंगे उसको पता है तो चीज़ें उसको उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए कभी कभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं सुटेबल आ रही तो आप अपने हिसाब से लेकिन यही मैंशन करना है वहाँ पर। आपको ये एक बात मैं बताना चाहती हूँ, गति का तीन नियम होता है, ठीक है, तीन नियम है तो तीनों नियम पूछ सकता है। प्रथम नियम पूछा था तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पहला नियम एक स्थित पिंड, एक स्थित पिंड मतलब बॉडी, एक स्थित पिंड तब तक स्थित रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता, तो वो है गति का पहला नियम। बाकी ये चीज़ें जो भी लिखी खराब नहीं है, ठीक है, लिख सकते हो। मैं एक और बता दे रही हूँ एक सिंपल सी एक सिंगल लाइन में कि कोई भी गति का पहला नियम क्या कहता है कि एक स्थिर पिंड, कोई भी एक स्थिर पिंड है, बॉडी है, वो तब तक इस कंडीशन में यहीं पर टिकी रहेगी जब तक आप इसमें बाहर से इस पे बल नहीं लगाओगे। यही है गति का पहला नियम, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, घूर्णन गति किसे कहते हैं? घूर्णन का मतलब रोटेशनल मोशन, जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ है राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, तो ये आपका घूर्णन गति के अंतर्गत आता है। वृत्ति गति किसे कहते हैं? सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जैसे कोई एक्सेस का मतलब क्या है कि जैसे वो ये चीज़ यहाँ पर है तो ये इसी पे रहो ये चीज़, लेकिन ये क्या है, कोई रास्ता है उसके इर्द गिर्द है, तो ये चीज़ आपकी वृत्ति गति में कहलाती है। ध्यान रखना सिंपल सा है, क्लियरेंस होनी चाहिए आपको। एक बात मैं आपको इसमें और ऐड करना चाहती हूँ, क्या ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने आपको हमेशा एक बात पढ़ाने के दौरान बोली है कि देखिए ये आपका प्रश्न है, ठीक है, दो लड़कियां, मैं एक लड़की को लेती हूँ दिव्या, आप में से दिव्या आती है? बिल्कुल आती है, आप जानते हो आपकी दोस्त है। एक इश्का, इश्ता, इश्ता जो भी हैं, कई अलग अलग मतलब एक ही हैं, या स्वीटी ले लो, कोई भी ले लो, ठीक। अब याद ध्यान रखना, दिव्या को इससे स्वीटी से इन दोनों बच्चों से नंबर ज़्यादा पाना, दिव्या नंबर कैसे पाएंगी, ध्यान रखना, ये आंसर पूछा गया है, इशिका भी लिखेंगी स्वीटी भी लिखेंगी, ठीक है, लेकिन दिव्या ज़्यादा नंबर तब पाएंगी जब दिव्या इसका उदाहरण भी लिखेंगी। अगर दो नंबर का प्रश्न है दिव्या को दो मिल सकता है और आप दोनों को एक एक मिलेगा अगर आप दोनों उदाहरण नहीं लिखोगे। फिलहाल ऐसा मत करना, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, बस सोचना कि मैंने कुछ कहा है। तो मैंने हमेशा बोला है कि ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आप उदाहरण दो, आपकी समझदारी और बहादुरी यही है कि नंबर आप उस बच्चे से ज़्यादा चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा। तो घूर्णन गति का उदाहरण क्या होता है, घूर्णन गति के क्या एग्जाम्पल है, तो कुम्हार जानते हैं, कुम्हार की चक्के की जो गति होती है, कुम्हार की चक्के की जो गति होती है वो आपके घूर्णन गति का उदाहरण होता है। बिजली का जो पंखा होता है वो आपके घूर्णन गति का उदाहरण होता है। साइकिल के पहिए की जो गति होती है वो आपका ये भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आपको तीन उदाहरण मैंने बता दिए हैं जो कि आपको पूछ लेंगे, हमेशा आएंगे। अब इसी की जगह एक तो मैंने बता दिया, अब इसी की जगह अगर मैं बात कर लूँ कि वृत्ति गति का क्या उदाहरण है, तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर, वो जो होता है वो आपका ये कहलाता है, ठीक है। ऐसे आपको कह सकते हो कि अपनी ही दूरी पर पृथ्वी गति करती है वो चीज़। नेक्स्ट आइए, बल किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं? बल व धक्का या खिंचाव होता है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। बहुत अच्छी परिभाषा है, आप लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं, नंबर पूरे मिल जाएंगे। दोलन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, ऑक्सलेशन, वो जो घंटे वाली आती थी हर घंटे में बजती थी टन 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 टन, बजती थी ना, अब अच्छी नहीं लगती है सच में, बड़ी बोकस लगती, पहले एक वो रहता था लेकिन अब नहीं पसंद आती है, तो हो सकता है आप लोग को आती हो, फिलहाल के लिए अपना एक इंटरेस्ट है। जब कोई वस्तु किसी मध्य स्थिति से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, झूलना जैसे होता है, झूलना तो सीसॉ में कभी कभी आ जाता है,
लेकिन ये आपकी धड़न टन टन टन, तो ये चीज आपकी क्या है, दोलन गति, जो ऑक्सीलेशन मोशन कहलाती है। नेक्स्ट आइए, दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं, तो लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा कर लगाकर ऊपर चढ़ाने के लिए, मकान में सीढ़ी के ऊपर, पहाड़ियों पर घूमिए, घुमावदार सड़कों पर जाने के लिए। हाँ बिल्कुल, करते हैं। जैसे कोई चीज़ गिर गई है, कोई बाहर जैसे रोड पर रास्ते, कोई पेड़ वगैरह गिर गया, तो हम ऐसे कोई चीज़ को डाल मतलब नीचे से करके उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे वो झुलना होता है, झुलना नहीं होता, इधर एक बार झुकेगा, उधर एक बार उठेगा, उस टाइप के। तो ये सारी चीज़ें कुछ उस तरह देगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बहुत सारे माल वगैरह को ढोने के लिए, उठाने के लिए, करने के लिए इन सारी मशीनों का लगभग हम उपयोग करते हैं। खासकर लेंटर वगैरह जब पड़ता है तब भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रॉली में भी किया जाता है। ठीक है। चाल से क्या तात्पर्य है? चाल क्या होता है, स्पीड क्या होती है? किसी बल के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ये भी एक अच्छा है, एक यूनिट सर्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में चली गई जो दूरी ट्रेवल की जाती है किसी भी बल के, किसी भी के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो हमारी चाल कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? बल लगाकर। कोई अगर चीज़ चल रही है, तो आप ऐसे सपोज करो कि आप ऐसे जा रहा जा रहा, और कोई आपको इधर से धक्का देगा, तो आप इधर हो जाओगे ना, एक बार हो सकता है कि गिर भी जाओ, आगे लग भी जाए, या आप और जैसे कोई आपको पीछे से कोई धक्का दे। तो यही है कि किसी गतिमान वस्तु पर, किसी गतिमान, अब यहाँ पर वस्तु की बात है तो हम बॉल कह देंगे। जैसे एक बॉल है वो ऊपर से गिर रही है, यहाँ पर एक बॉल रखी थी, ठीक है, वो धनकते हुए गिर रही, और आप यहाँ पे आए, उसको मारा, किक किया, तो वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई, और गति गति की स्पीड में तो खुद थी, क्योंकि चलते हुए आ रही थी। तो किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कैसे था? जब हम उसे बल लगाएंगे, तो यहाँ से आपने आया और बैट से उसको मारा, तो आपने बल लगाया, तो वो क्या हो गई, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गई। बल के कितने प्रकार हैं? तो 5, पेशी बल, जो मसल्स पावर होती है, जो जिम वाले होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके पास होती है। ठीक है। गुरुत्वीय बल, जो अर्थ हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। चुंबकीय बल, जो ये मैग्नेटिक फोर्सेज होती है। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्सेज होती है। विद्युत बल, जो बिजली की करंट वाली होती है। तो ये कई प्रकार हैं, ये ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, आया भी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विद्युत बल किसे कहते हैं? वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट के चार्जेस के कारण क्रिएट होता है, कार्य करता है, उसको हम विद्युत बल कहते हैं। ये ठीक है, खराब नहीं है, सही परिभाषा लिखी है फिलहाल के लिए। अब जैसे ये लिखा है कि विद्युत बल किसे कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि एक विद्युत बल दो आवेश पिंडों के बीच अट्रैक्शन बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बल होता है ना दोनों के बीच में, कि प्रतिक्रिया करता है। ये भी सब जैसे बना कर भी लिख सकते हैं, सपोज कि किसी को ये परिभाषा नहीं याद आ रही तो बना कर भी लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वोल्ट होता है। क्या होता है इसके एसआई यूनिट? वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यक विधि, पदार्थ वही छानने के लिए, मतलब कोई चीज़ दो, कोई दो पदार्थ उसको अलग करने के लिए, तो क्या क्या तरीके हैं? तो बिनना, जैसे कि चावल से कंकड़ बिनते हैं, धान रहते हैं, धान जो कुटाया रहता है, धान रहता है ना, सभी लड़कियां बिनती हैं, हम भी बिनते हैं फ्रेंड्स, मेरी मम्मी तो बिनवाती ही बिनवाती है, वो बस बना कर रख देती हैं, हमको पता रहता है, हम जहाँ रहते हैं पढ़ते हैं, बोल के रखा है, टाइम नहीं मिलता है, तो मेरे बगल में रख उठता है कि हाँ टाइम पर कर लो। ठीक है। तो ये बिनना सब करते हैं, करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, और करना भी चाहिए। ठीक है। चालना, चालने का इन द सेंस चलना आता है, ठीक है, चलना आता है, सरसों वगैरह चाली जाती है, बिल्कुल चाली जाती है ना, उसमें से मिट्टी उट्टी के कण कण रहते हैं, छानना है, कोई चीज़ छानी जा रही है, तो छानने की चीज़ पानी वानी में आ जाएगी। वाष्पन है, वेपर का क्रिया, आश्वन है, तो कई सारे तरीके हैं जिससे हम पृथक कर सकते हैं। ठीक है। आप चलो, थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान मापा जाता है। ठीक है। एक मेजरमेंट यूनिट है, एक वैज्ञानिक यंत्र आएगा जिससे बॉडी के टेम्परेचर को मनुष्य को नापा जाता है। एसआई मूल राशि की संख्या कितनी है? तो 7 है। 7 है, क्या पता है कि नहीं? ये बात मालूम होनी चाहिए आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है फिलहाल के लिए। क्या ये प्रश्न इससे पहले आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। 7 मूल राशियां, मैंने भी शायद नोट्स में भी दिया है और बताया भी है ना, मैंने भी बताया है। 7 मूल मात्रक होते हैं, कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं आप लोग? मुझे उम्मीद तो है कि आप लोग मुझे बता लेंगे, गलत नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन बता देती हूँ। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला और मोल, यही होते हैं, ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा, आराम से लिख भी लीजिए। फिर बोल रही हूँ, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला, मोल। आगे बढ़े। चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई? मैग्नीशियम में। ठीक है, आगे चलो, ये अननेसेसरी है। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक क्या होता है? भौतिक राशि के मापने के लिए, जिन राशि भौतिक राशि को मापने के लिए राशि के निश्चित परिणाम को हम मात्रक कहते हैं, जिससे हम मान को निकाल पाते हैं कि इसका एग्जैक्ट मान क्या होगा।
नैनो सेकंड कितना होता है? अभी कल मैंने बताया था, कल बताया था 10^9, 10^-9 नैनो सेकंड कल मैंने बताया। और नैनो आप ध्यान रखना कि नैनो से 9, ठीक है, नैनो से 9 भूलना नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या होते हैं? संवेग कहलाते हैं। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, द्रव्यमान को मास कहते हैं और वेग को वेलोसिटी कहते हैं, संवेग को मोमेंटम कहते हैं। यही बात है ना, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में यही से थोड़ा चेंज करने में बड़ी दिक्कत होती है। हम भी डिलीट कर रहे थे, बहुत परेशान होते, लग रहा था कि क्या ही कर लिया मैंने, लेकिन ज़बरदस्ती है, करवा ही रहे हैं सब घर वाले। घर वाले इन सब चीज़ बड़ा फोर्स करते हैं, नहीं कर ही लो, क्या ही जाएगा, कर लिए, वैकेंसी नहीं आ रही है। चलिए कोई नहीं, बल और विस्थापन क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट। जब कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण में घूमता है, उस घूर्णन गति को क्या कहते हैं? तो वृत्ति गति कहते हैं। ये अभी ऊपर आपने पढ़ा, अभी ऊपर आपने क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चुंबकीय बल किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं? चुंबकीय, किसी चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया जो बल होता है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। अच्छी परिभाषा है, सिंपल है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, समझ में चीज़ें आ रही हैं, रिवीजन हो रहा है, आज कुछ समझना नहीं है, समझाने वाली चीज़ें हम क्लास में करते हैं, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है यहाँ तक अभी तक। चलो इसी के साथ, जो लाइक ना किया हो फटाफट लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये एक फिक्स्ड आंसर है, हर बार आता है और हम करते भी हैं, करेंगे भी। वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस और द्रव्य और गैसीय अवस्था में रहते हैं? तो गंधक और जल। आगे चलिए, नेक्स्ट, पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिसमें अंतराण्विक अवकाश सबसे अधिक होता है। तो गैसीय स्थिति में, अंतराण्विक जो भी लिखा है ये, ठीक है, इसका मतलब जानते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर गैप। तो सॉलिड जो ठोस, एकदम जो चीज़ें ठोस होती हैं, वो ठोस कैसे होती हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में बॉल भरी हुई है, बॉल फिलअप है, जो आप बॉल खेलते हो बैट वाली वो, ठीक है, बॉल 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 बॉल, पूरी बोरी से पूरी बॉल भरी है, तो ये इसमें हिले डुलेगी, 1% चांस नहीं देगा, एकदम टाइट रहेगा, एकदम ठोस रहेगा। गैस के इसमें क्या होता है, इतना बड़ा कंटेनर रहता है, एक यहाँ रहेगी तो एक यहाँ रहेगी, एक यहाँ रहेगी तो एक यहाँ रहेगी, तो ये इधर मूव उधर मूव उधर मूव करती रहती है, इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सिर्फ गैस में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, सबसे ज़्यादा जो गैप है वो गैस में ही होता है। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में ये फोर्स सबसे ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। परिपृथक्करण किसे कहते हैं? मतलब अलग करना, किसी मिश्रण में विलेय और अविलेय पदार्थों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस इसी के द्वारा होता है, जहाँ पर हम जैसे कोई चीज़ है अलग कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, विलायक किसे कहते हैं? जब किसी द्रव्य में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव्य में विलेय और द्रव्य को विलायक कहते हैं, ठीक है। एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूशन होता है, वही चीज़ ही आपको बता रहा है। आगे चलिए, यौगिक क्या है? यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। दो या तो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात के मिलने से उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2O है, एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन के तो दो मॉलिक्यूल, O2 के एक, O का एक, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिला के H2O बन रहा है, CH4 है, मीथेन है, बहुत सारी है ऐसे। तो क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। ग्लूकोज का फुल फॉर्म, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जान रहे हो, C6H12O6, क्या है, सब कंपाउंड में आएगा, बहुत सारे ऐसे हैं। पृथक्करण की कोई दो विधियाँ बताइए, तो भाप आसपन विधि है और प्रभाजी आसपन विधि है। आप इसमें और भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाली वहाँ पर आपको बतानी हो, ठीक है। नेक्स्ट, मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक यौगिक और तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, उनको हम उसमें सम्मिलित होते हैं, उसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, कई जैसे मिक्स वेज खाते हो, ढेर सारी सब्जी, कद्दू, लौकी, करेला, भिंडी, जितनी भी सब्जी होती है, गाजर, मूली, पालक, सब कुछ मिक्स वेज में काट के सब डाला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार वो खाई हूँ, मैं उंधियों खाई हूँ, उंधियों उंधियों जानते हैं, उंधियों एक सब मतलब एक डिश है, गुजरात की डिश है उंधियों, वो मटके में बनाई जाती है उल्टा करके, उसके अंदर सारी सब्जी भर दी जाती है, खूब मसाले डाल दिए जाते हैं, तो उंधियों भी उसी तरीके से होता है, तो ये मिक्सचर भी उसी तरीके से है, ठीक है। आगे चलते हैं, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े मिल गए हैं, तो उसे कैसे अलग करेंगे? अब चीनी का शरबत है, पानी का, चीनी का शरबत मतलब पानी में घुला गया होगा, और लकड़ी का उसमें बुरादा गिर गया है, ढोंका गिर गया है, वो टुकड़ा मतलब एक कट पीस गिर गया है, तो
छान देंगे, वैसे भी अपने आप पता है कि लाइट वेट होगा तो तैर जाएगा, निकल जाएगा। द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा होती है वह उसका द्रव्यमान होता है, कि इसमें कितनी वो मात्रा कितनी प्रेजेंस है, कितनी प्रेजेंट है। मीटर पद्धति किसे कहते हैं? तो फ्रांसीसी ने मापन की एक मापन प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहा जाता है, जो कि ज़रूरी नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है जो कि आएगा आपको मतलब दिक्कत करेगा, सारे प्रश्न नहीं आते हैं। ध्यान रखिएगा कि जितना सीरीज में दिया ये सोचो कि सारा आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारा आने वाला है, ठीक है? तो आसान चीज़ें हैं, करोगे तो समझ ले जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल आएगी नहीं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम बताइए। तो वही है, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, ताप, और भी सारी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, जो कि कई बार रिपीट हुआ, आपने देखा भी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आयतन का मात्रक क्या होता है? तो घन मीटर क्यूब में आता है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये एक अच्छा प्रश्न है, आपको ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है, जहाँ पर आपको टिक करने को मिलेगा, जरूरी नहीं कि हर जगह लिखने को ही आए। समय की अवधि का मापन किस प्रकार कर सकते हैं? तो हम सेकंड में करते हैं, मिनट में करते हैं, घंटा में करते हैं, दिन में करते हैं, माह में करते हैं, साल में करते हैं। बहुत तरीके से कर सकते हैं, एक दिन में मापना है, सेकंड में मापना है, घंटे में मापना है, माह में मापना है, साल में मापना है, सेंचुरी में मापना है, डिकेड में मापना है, ठीक है? क्षेत्रफल का मानक मात्रा क्या होता है? तो वर्ग स्क्वायर मीटर, ठीक है? सपोसी किसे कहते हैं? यानी कि ऑटोट्रॉप्स, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन, जो अपना पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो सपोसी होते हैं। श्वसन का क्या अर्थ है? श्वसन का मतलब होता है रिस्पायरेशन, जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया जो होती है श्वसन कहलाती है। इसीलिए पेड़ हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि हम उनको उनकी ऑक्सीजन देते हैं, वो हमारी हमारी ऑक्सीजन देते हैं। प्रमुख श्वसन के अंग, सांस लेने वाले अंग क्या हैं? तो फेफड़ा और गलफड़ा। गलफड़े से आप जानते हैं, गिल्स से मछली वगैरह जो जानवर हैं पानी वाले, वो अक्सर लेते हैं, और फेफड़े से हमारा। आगे चलिए, जलीय पौधे और जलीय जंतु किन्हें कहते हैं? जल में रहने वाले पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं, और जल में रहने वाले जंतु जैसे मगरमच्छ है का और मेढक है और क्या कहते हैं वो है कछुआ है, और जल में रहने वाला पौधा तो आप देख रहे हो सिंघाड़ा जो खाते हो जल में होता है, ठीक है? मखाना जो खाते हो जल में होता है, और एक करेमुआ की एक सब्जी बनती है, करेमुआ आप लोग जान रहे होंगे, करेमुआ ही तो कहते हैं, हाँ करेमुआ भी, करेमुआ हाँ करेमुआ भी तो तालाब में ही शायद होता है, हाँ हम तो जितना जानते हैं शायद तालाब में ही होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, कमलगट्टा सब तालाब में होता है। अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? अंकुरण जैसे बीजों का अंकुरण है, तो सबसे ज़्यादा एक जो तापमान है वहाँ का वो सही होना चाहिए, तो उसके लिए वायु, हवा, पानी और टेम्परेचर जो है वो उचित होना चाहिए। तो जैसे वो जहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था है नहीं है, बहुत धूप लग रही है, तो पॉली हाउस बनता है वो, देखो वहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। मृतिका किसे कहते हैं? पके हुए बर्तन को मृतिका कहा जाता है, ठीक है? आगे चलो, खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो साधारण या मृदु कांच, जो घरों में खिड़कियाँ लगी होती हैं उनमें, ठीक है? पुष्प के प्रमुख चार भाग बताइए। तो ब्राह्मदलपुंज, दलपुंज, पामुंग और जायंग। ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया और आ भी सकता है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि गति के दूसरे नियम को परिभाषित कर, दूसरा नियम क्या है? इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया जो बल होता है वो एफ, और उसका जो मास होता है उस वस्तु की बल की दिशा में उत्पन्न एक्सलेशन के गुणनफल के बराबर होता है, इसीलिए कहा जाता है एफ बराबर एम ए, यही सूत्र होता है। दूसरा सूत्र यही ना, एफ बराबर एम ए, यही बात कही जा रही है। किसी वस्तु के किसी भी वस्तु पर बाहर से जो एक्सटर्नल जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो बल, और वस्तु का जो मास होता है तथा उन दोनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको हम उसका गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका रूल है, रूल मतलब आप परिभाषा लिख दो, नीचे रूल लिख दो। पारदर्शी और अपारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, और इसका नॉन ट्रांसपेरेंट, वे पदार्थ जिनके हम आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी होते हैं, जैसे पानी, कांच देख सकते हैं, और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वो हमारे अपारदर्शी होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? अपारदर्शी। तो ये आपका उसमें आता है, जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा? एयर आएगा, ठीक है? आगर ध्यान रखना, ठीक? क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम लग रही है? चलो फ्रेंड्स, ये आपका क्लास हो गया है आज, 25 मिनट की क्लास फिर हुई, मैंने बताया सिखाया, यहाँ तक कंटिन्यू करें। अभी जहाँ तक हमारे ख्याल से इसमें एक क्लास और होगी, बाकी फिर आपका ये साइंस भी पवन की सीरीज से ख़त्म हो जाएगा, फिर हम राजन की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ताकि पेपर से पहले एक बार उसका भी रिवीजन कर लें, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बचती हैं जो मुझे अपने आप से खोज के बताना है, जो मैं खुद से सर्च करके क्वेश्चंस बना के ले आती हूँ, वो मुझे भी करवाने हैं, तो बस वो भी मैं करवा दूँगी, दिक्कत नहीं हो जाएगा। आओ समझो, देखो समझो, जानो सीखो, बातें भी कर लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो, एंजॉय करो, मस्ती करो।